हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का मतलब है कि जब हम व्यापार में कोई भी लेन देन करते हैं, जैसे हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं या किसी कस्टमर को माल बेचते हैं, तो उससे हमारा जो पेंडिंग अमाउंट रह जाता है उसका कंप्लीट रिपोर्ट हम आउटस्टैंडिंग में जा करके चेक करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो जो बिल वाइज डिटेल पर आधारित है उसे आप जाकर के देख लें, बिकॉज उसमें हमने कंप्लीट बिल एडजस्टमेंट पढ़ाया हुआ है। और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को समझने के लिए बिल एडजस्टमेंट या बिल को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको आउटस्टैंडिंग का कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैली क्लास को अटेंड कर पाएं। तथा वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं कहीं वो आपसे छूट ना जाए, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करके देखते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं हम गेट वेब टैली मेन मेनू पर हैं। जैसा कि हमें आज मेरा जो टॉपिक है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को चेक करना है, और मैंने आपको बताया कि आपको अगर आउटस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको मेरी लास्ट वीडियो बिल वाइज डिटेल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कंप्लीट बिल एडजस्टमेंट मैंने कर रखा है। और जो हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करते हैं वो अपने संडी डेटर एंड क्रेडिटर का डिटेल हम चेक करते हैं, जो हमारा पेंडिंग अमाउंट होता है। तो उसके लिए बिल वाइज डिटेल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल वाइज डिटेल और आउटस्टैंडिंग का आपस में बहुत संबंध है। तो उसको देखे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, हम गेट वेब टैली के मेन मेनू पर हैं। सबसे फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टैली कंपनी में जो क्या कहते हैं वाउचर्स कितने बने हुए हैं। तो हमने कुछ वाउचर कर रखे हैं इसमें पहले से। हम डेबुक में जाते हैं, डिस्प्ले मेनू, उसमें डेबुक को हम रोज नामचा भी करते हैं कहते हैं, जो हम यहाँ पर हम अपना पीरियड चेंज करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डेबुक में जो हमने कुछ वाउचर्स कर रखे हैं, एज एग्जाम्पल हमको आपको टॉपिक को समझाना है, इसलिए हमने यहाँ जो कुछ वाउचर्स कर रखे हैं वो आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं बैक में, हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करते हैं। और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक करने के लिए, चूँकि रिपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के लिए टैली गेटवे टैली में मास्टर है, ट्रांजेक्शन है, यूटिलिटीज़ है, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में हमें जाना है और रिपोर्ट में हमें डिस्प्ले पर ही जाना है। डिस्प्ले पर हम यहाँ से एंटर करते हैं और आप देख पा रहे हैं चूँकि हमें अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसमें आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया राशि को हमें चेक करना है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं स्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के कुछ मेनूज हैं जो मैं आपको पहले ही उसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, लेजर और ग्रुप है, मतलब जो रिसीवेबल पेमेंट है और पेबल पेमेंट है उसको हम लेजर वाइज और ग्रुप वाइज यहाँ से चेक करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम रिसीवेबल चेक करते हैं कि हमारा क्या, हमें किससे, जो हमारे कौन से कस्टमर हैं जिनसे हमें कैश लेना है। तो आप देख पा रहे हैं दो इसमें आपके रिसीवेबल हैं, एक राज टेलीकॉम है और एक मुकेश कंपनी है। हम चलते हैं अगर इसका डिटेल आप देख रहे हैं, इसमें सीरियल नंबर है, डेट है, रेफरेंस है, पार्टी नेम है, पेंडिंग अमाउंट है, ड्यू ऑन ड्यू डेट है और जो ओवर डेट हो गया, मतलब जो हमने 1 जून को माल उनको भेजा था उससे इनका जो टाइम पीरियड था 1 जुलाई था, उसके बाद 1 अगस्त तक की रिपोर्ट हम चेक कर रहे हैं तो 31 डेज इनका ओवर ड्यू हो चुका है। ऐसे ही मुकेश का है। तो अगर इसका हम कंप्लीट डिटेल्ड में इसे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर Alt प्लस F1 प्रेस करेंगे और ये डिटेल में आ जाएगा। आप देख रहे हैं राज टेलीकॉम को हमने माल बेचा था, इसमें नीचे आपको दिख रहा है 1 जून को सेल किया हमने फर्स्ट इनवाइस पे 80,500 रुपये का जो डेबिट था। उसके बाद 1 जुलाई को हमने इनसे रिसिप्ट करा 40,000 रुपये, तो इनका जो पेंडिंग अमाउंट बच रहा है वो 40,500 बच रहा है, जो 31 डेज हो गया अभी इन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसी तरीके से मुकेश एंड कंपनी को आप देख पा रहे हैं, इनको हमने माल बेचा था, सेल किया था 77,000 रुपये का, जो अभी इन्होंने पेमेंट नहीं किया हुआ है, इसे हम रिसीवेबल कहते हैं। आप देख रहे हैं टोटल जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है जो हमें प्राप्त करना है अपने सन्डरी डेटर्स से, जो मेरा रिसीवेबल अमाउंट है 1,17,500 रुपये। चलिए हम बैक आते हैं, हम पेबल अमाउंट चेक कर लेते हैं। आप देखें विल पेबल में डेट आप देख पा रहे हैं, रेफरेंस नंबर है, पार्टी नेम है, पेंडिंग अमाउंट है, ड्यू ऑन है एंड ओवर डेट है। आप देखें मुकेश एंड कंपनी एंड राजेश एंड कंपनी,
ये दो पेबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुकेश तो हमारे सेंडिडेटर हैं, यहाँ इनको पेबल में क्यों दिखा रहा है विकास, इसका हम कंप्लीट डिटेल्ड करके देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मुकेश को हमने रिसिप्ट कराया पहले, कहने का मतलब मुकेश से हमने एडवांस में प्राप्त किया, हमें एंटर करके चेक करेंगे तो ये एडवांस अमाउंट है, आप देख रहे हैं एडवांस रेफरेंस, तो मुकेश से हमने एडवांस ले रखा है, क्योंकि मुकेश ने हमें हमारे पास एडवांस 15,000 रुपये पे कर दिया था, हालांकि बाद में हमने मुकेश को माल बेचा है तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद राकेश से हमने माल खरीदा था, परचेज किया था 90,000 रुपये का, 90,000 रुपये का जो माल खरीदा परचेज किया था उसका आप डिटेल देख पा रहे हैं, 5 जून को हमने किया था, बट हमें पैसा देना चाहिए था इनको 20 जून तक, जिसका ओवरड्यू हो चुका है 42 दिन का, 42 दिन हो गया जिसमें हमने पेमेंट नहीं किया है, तो हमें उसका पेमेंट, तो यहाँ से हम इस तरह से आउटस्टैंडिंग जो बकाया राशि, चाहे वो रिसिवेबल बैलेंस है चाहे वो पेबल बैलेंस है, हमको यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगा। अगर हम देखें तो पेंडिंग अमाउंट में 1,05,000 रुपये मेरा बकाया है, जो हमें पार्टी को देना है, अपने सप्लायर्स को देना है। हम चलते हैं बैक करके, अब यही डिटेल अगर हम लेज़र वाइज देखना चाहें तो यहाँ से हम लेज़र वाइज देख सकते हैं, जैसे मुकेश एंड कंपनी को हम यहाँ से चेक करते हैं, आप देख रहे हैं इसको अगर हम डिटेल्ड कर दें तो F1 कर देंगे, अल्ट F1 डिटेल्ड में आ जाएगा। जो रिसीव किया था मैंने 15,000 मुकेश से, वो क्या है 15,000 रुपये एडवांस था, आप यहाँ देख पा रहे हैं रेफरेंस में एडवांस दिखा रहा है यहाँ, उसके बाद और वो मैंने कब किया था 1 जून को रिसिप्ट किया था 15,000 रुपये, जो CR में है, क्रेडिट है, जबकि हमारे मुकेश एंड कंपनी हमारे सेंडिडेटर्स हैं। बाद में हमने मुकेश एंड कंपनी को माल सेल करा 77,000 रुपये का, 77,000 रुपये का माल सेल किया, उसमें जो 15,000 इनका एडवांस में मेरे पास पहले से था वो इसमें से डिडक्ट कर गया, आप देख रहे हैं कुल बचा 62,000 रुपये। जब इन्होंने समय से पेमेंट नहीं किया तो इनके ऑन अकाउंट चार्ज हो गया 3,100 रुपये, इन पर इंटरेस्ट लगा 3,100 रुपये ऑन अकाउंट, आप रेफरेंस चेक करें यहाँ लिखा है ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट पर इनको इनके अकाउंट पर 3,100 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो ये कंप्लीट जोड़ करके 62,000 और 3,100 जोड़ करके 65,100 रुपये DR है जो हमें प्राप्त करना है, किससे मुकेश एंड कंपनी से। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं पर पार्टी वाइज, जिसे हम लेजर वाइज कहते हैं, अलग अलग पार्टी का हम कंप्लीट आउटस्टैंडिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हमें इसका विल प्रिंट करना हो तो हम अल्ट के साथ पी प्रेस कर दें, आप देख रहे हैं टैली टाइटल बार के जस्ट नीचे यहाँ अल्ट पी लिखा हुआ है, आपके कमांड बटन बार जो हॉरिजॉन्टल बटन है उस पर एक अल्ट पी है, चूँकि सिंगल अंडरलाइन किसी कैरेक्टर के नीचे होता है तो उसे हम अल्ट मानते हैं, अल्ट के साथ अगर हम पी करते हैं तो यहाँ पर इनका विल प्रिंट होकर के आ जाएगा, इसका प्रीव्यू आपके सामने अवेलेबल है, अगर इसे आप यहाँ अल्ट के साथ जेड करते हैं जूम हो जाएगा और जूम में इनका कंप्लीट बिल आप चेक कर सकते हैं, जो इनको हमने लेन देन इनके इनसे किया, चाहे वो एडवांस हमें प्राप्त हुआ या फिर हमने उसमें रिसिप्ट करा या हमने इसको सेल किया या इनके अकाउंट पर जो ऑन अकाउंट लगा, जो इनके अकाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो कुल मिला करके सारा डिटेल, डेट, रेफरेंस, ओपनिंग बैलेंस, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू ऑन एंड ओवर ड्यू डेट, वो सारा कुछ इसमें दिख रहा है। हमको इनसे प्राप्त कितना करना है 65,100 रुपये, ये हमें प्राप्त करना है, जो पेंडिंग अमाउंट है आप देख पा रहे हैं जो थोड़ा डार्क में है, हाईलाइटेड है, वो हमें प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। हम चलते हैं राज टेलीकॉम को चेक करते हैं, क्योंकि राज टेलीकॉम भी हमारे सेंडिडेटर हैं जिन्हें हमने माल बेचा हुआ है, ये चूँकि हम लेज़र वाइज चेक कर रहे हैं तो इसमें सेंडिडेटर एंड क्रेडिटर सारे डिटेल्स आते हैं, तो हम वहाँ से चेक कर सकते हैं, चूँकि आउटस्टैंडिंग है राज टेलीकॉम का, इनका पूरा डिटेल आप देख पा रहे हैं। 1 जून को हमने इनको सेल किया 80,500 रुपये का सामान, जबकि इस पर इनका ओवरड्यू हो चुका है 31 डेज का, क्योंकि इसका जो ड्यू डेट था वो 1 जुलाई था, 1 जुलाई को इन्होंने पेमेंट किया बट केवल 40,000 रुपये किया, मेरा कंप्लीट पेमेंट इन्होंने नहीं किया। तो और आज की डेट जो है हम आज चेक कर रहे हैं 1 अगस्त को, जैसे तो आज 1 अगस्त डाल करके हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ आप दिख रहा है आपको 40,500 रुपये, ये इनका पेंडिंग अमाउंट है जो हमें इनसे प्राप्त करना है। कुल इनका ओपनिंग बैलेंस 80,500 था, जिसमें से इन्होंने 40,000 पे कर दिया, बटा इनका आपका 40,500 रुपये जो DR है जो हमें इनसे प्राप्त करना है। इनका भी अगर हम बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी करें और यहाँ एंटर कर दें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अल्ट जेड कर देंगे तो जूम में हो जाएगा, जूम हो जाएगा तो आप इसको अच्छी तरीके से बिल को देख पाएंगे। हम यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें, अगर हमने प्रिंट करते टाइम पे अल्ट आई किया हुआ है तभी प्रीव्यू दिखेगा, अन्यथा अल्ट आई से हम उसको एब्सेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देख रहे हैं हम अल्ट आई करके हटा दिए, अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू नहीं आएगा, हमारा जो प्रिंट आउट होगा वो अलग टाइप की विंडो में ओपन होगा। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में MS Office पड़ा हुआ है तो वन नोट पेज में ये दिख जाएगा,
आप देख पा रहे हैं वन नोट पेज में आपको ये बिल दिख जाएगा। यहाँ पर ये बिल आपके सामने आ गया है वन नोट में, तो यहाँ से भी हम बिल को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रिंट टाइम में ही जा करके अल्ट पी करके यहाँ अल्ट के साथ आई प्रेस कर दें तो विद प्रीव्यू के साथ हमारा प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जूम करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिल प्रिंट करना। हम राकेश एंड कंपनी जो हमारे सप्लायर हैं जिनसे हमने माल खरीदा है, इनका भी मेरे पास पेंडिंग अमाउंट है, अभी आपको मैंने पेबल में दिखाया, तो वो सारी डिटेल यहाँ भी दिख रही है। डेट किस डेट को हमने माल खरीदा, क्या रेफरेंस नेम था, ओपनिंग बैलेंस कितने का माल खरीदा, पेंडिंग अमाउंट क्या है, ड्यू ऑन क्या था, किस दिन को हमें देना था, किस डेट को, और ओवरड्यू कितना हो चुका है। तो 90,000 का माल खरीदा था, अभी हमने इनको कोई भी पेमेंट नहीं किया है, 90,000 का पेंडिंग अमाउंट है। ड्यू ऑन है 20 जून को था, जिसमें आज 1 अगस्त को हम चेक कर रहे हैं तो 42 ओवरड्यू डेट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं नीचे टोटल अमाउंट दिख रहा है 90,000 रुपये के, हम उनके बकायेदार हैं, क्रेडिट है हमारे यहाँ, हमें उनको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आपने देखा सारा डिटेल हमने आपको एक एक ट्रांसपेरेंटली लेज़र वाइज दिखाया। अब हम ग्रुप वाइज चेक करते हैं। अगर हम सेंड्री डेटर क्रेडिटर का अलग अलग करके देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि लेज़र में सेंड्री डेटर क्रेडिटर सारे इकट्ठे रहते हैं, वहाँ आपको नेम वाइज जानना होगा। अब बट यहाँ ग्रुप में हम अलग अलग देख सकते हैं। अगर हमें सेंड्री क्रेडिटर का रिपोर्ट देखना है तो सेंड्री क्रेडिटर का रिपोर्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करें तो सेंड्री क्रेडिटर का रिपोर्ट आया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो राकेश एंड कंपनी है वो हमारे सेंड्री क्रेडिटर हैं जिनसे हमने माल खरीदा था, जो सप्लायर है हमारे, उनका डिटेल अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, कंप्लीट एनालिसिस करके बताया। अगर हम सेंड्री डेटर का चेक करना चाहते हैं तो जो राकेश और मुकेश हैं वो हमारे सेंड्री डेटर्स हैं, जिसका डिटेल भी मैंने आपको अभी कम्प्लीटली बताया। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1,20,600 रुपये कुल हमारा पेंडिंग अमाउंट है जो हमें प्राप्त होना था, बट 15,000 रुपये हमें पहले से प्राप्त हो चुका है, जो मुकेश का एडवांस मेरे पास है। तो इस तरह से हम सारा डिटेल ट्रांसपेरेंटली ले सकते हैं, अगर यहाँ हम ट्रांसपेरेंटली इसको जान सकते हैं। तो हम बैक करके आते हैं, आपने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखा, सारी चीज़ों को हमने एनालाइज करके बताया, आपको दिखाया, बिल को प्रिंट करके दिखाया। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।